मृतक का नाम बताइए। सुबोध कुमार शिवा। कौन सा नक्षत्र है? त्रिरुवादी। गोत्र है? शिवा गोत्र। वह खूनी था, पुलिस के हाथों मारा गया। मन ने कहा इसलिए उसका श्राप करवाना। इस भात को कौवे के लिए रख दीजिए, कौवा खाएगा, मृतक की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होगी, ऐसी धारणा है। लीजिए। मैं तुम्हारा एडवांस में श्राद्ध करवा रहा हूँ। तुम्हें प्यार चाहिए, शादी चाहिए। सुनो, छूते ही हाथ जल गया और तो फिसल गई, ऐसा सोलो सॉन्ग गाना है ना तुम्हें? इसे छोड़कर थोड़ा पास आओ, थोड़ा प्यार करो, प्यार की बातें करोगे ना, ये सब नहीं होगा। तुम्हारे भाग्य में डुएट सॉन्ग नहीं लिखा। उधर देखो, उस चावल को तुम्हारे दादा दादी कौवे के रूप में आकर खाएंगे, मगर तुम तो जिंदा हो, तुम यही खा लो। का 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 का। तुम्हारा काम हो इसलिए मुझे बचा, मुझे लाकर अपने बंगले में भी रखा, उसके बाद मेरी आंखों के सामने मेरा श्राद्ध किया, कौवों को भात भी खिलाया। ये सब देखकर खामोश रहने के लिए क्या मैं गूंगा हूं? ए, क्यों मेरे गले में माला पहनाकर मुझे बलि का बकरा बनाओगे तुम? मैं खंजर हूं, जहरीला खंजर। अन्याय करने वाले 5 पुलिस वालों को मैंने मारा है, मेरा अपमान करने वालों को मारने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से सुनो, वही मेरी औरत होगी, मैं उससे ब्याह करूंगा, है दर्जनों बच्चे पैदा करूंगा। तुम क्या कर लोगे है? थोड़ा समय नहीं भाई, बहुत देर गाऊंगा। सोलो सॉन्ग मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। छूते ही चल गया और तो फिसल गई, तुम गाओगे और मेरी तो उससे शादी जरूर होगी। मांगड़ू, तुमसे हो सके तो, और इसके बाद भी अगर अपनी पुलिस बुद्धि मुझे दिखाने की कोशिश की तो मैं कैसे गवर्नमेंट को धोखा देकर तुम मुझे बचाए सभी पत्रकारों को मैं बताऊंगा। तुम्हें फंसा के बिना भागे फांसी पर चढ़ जाऊंगा। मैं बोलता नहीं, बोला उसे किए बिना रहता नहीं हूं। ठीक है, तुम शादी कर लेना, लेकिन उससे पहले जिस काम के लिए मैं तुम्हें बचा कर लाया हूं उसे पूरा करो और शादी करो। यही ठीक है बेटा, जिस तरह सबसे छुपाकर मैंने तुम्हें बचाया है उसी तरह सबसे छुपाकर अगर तुम्हारा काम तमाम नहीं किया तो मेरा नाम नंद कुमार नहीं। माला, तुमने वेट किया इसलिए इतना अच्छा पति मिला। इतना अच्छा पति मिला है, हमें ट्रीट नहीं दोगी क्या? मेरी एरोप्लेन से शादी होने के बाद मैं तुम सबको होटल में ले जाऊंगी। ओके। I'm sorry. नहीं सर, माँ के हाथों खाना लूंगा पर किसी के हाथों पैसा नहीं लेता। आज के दिन मेरे भाग्य में ये खाना लिखा ही नहीं था। ये देखो, तुम्हारे पैदा किए हुए खतरनाक शिवा ने फारूक को मारा ही नहीं बल्कि उसके पूरे काले धन के बारे में सरकार को, इनकम टैक्स को और हमें अपने नाम से एक लेटर भेजा है। रघु नाम का आतंकवादी क्यों मारा गया और उस आतंकवादी के बैंक में जमा 22 करोड़ रुपए कहां से आए? आप फिक्र न करें सर, मारा गया सुबोध कुमार शिवा ही खतरनाक शिवा है, ये कोई नहीं जान पाएगा। आतंकवादी फारूक के साथी कौन कौन है पता लगा हुआ है? तुमने बोला था, उसका क्या हुआ? फारूक उर्फ रघु का पासपोर्ट मिला, पासपोर्ट ऑफिस से पता चला कि फारूक का जन्म और परवरिश हुई श्रीरंगपुरम में, पढ़ा भी वहीं 10वीं तक। बचपन में कई ब्राह्मण दोस्तों के साथ पढ़ने के कारण वो भाषा सरलता से सीख गया होगा ऐसा लगता है। फारूक के माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, उनके मरते ही वो दुबई चला गया। मैंने दुबई पुलिस से बात की, फारूक वहां इलीगल एक्टिविटीज में भी शामिल था सर, पुलिस उसके पीछे पड़ी थी,
तब वो रघु के नाम से इंडिया भाग आया और उसने सर तंजावुर के एक वेद पाठशाला में पढ़कर चतुर्वेदी की पदवी प्राप्त की। एक मुस्लिम ने किस प्रकार वहां दाखला लिया ये मैं समझ नहीं सका सर। अब क्या करने वाले हो बोलो। रघु जिस आश्रम में था मैं उसके कमरे की पूरी तलाशी लूंगा सर। लेकिन रघु का केस तुम्हारे पास नहीं है, DIG MR मोनी के पास है। अनाथ आश्रम को सील करके पुलिस का पहरा बिठा दिया है, फिर कैसे जाओगे? वो मैं देख लूंगा। हमारे आदमी फ्रंट में है इसलिए हमें पीछे से आना पड़ा और यहाँ सील लगा हुआ है। यही रघु का रूम है सर, इस दरवाजे पर सील है। ओह माय गॉड, पुलिस वेस्ट। देखो मेन स्विच कहाँ है सर? स्विच यहाँ है। स्विच ऑन करो। या सर आप उठिए, मैं देखता हूँ। हाँ। सर ऐसा त्रिशूल माघ रघु के बाह पर हरे रंग में गुदा हुआ मैंने देखा था, शायद उसका सीक्रेट सिंबल है। ओपन इट। ओह माय गॉड, स्वामी कादिरवेदी, इनकी तस्वीर इसके साथ क्यों है? सर इसी स्वामी के लेटर देने के कारण वो वेद पाठशाला में दाखिल हुआ होगा। पढ़िए सर, किन किन तारीख में इस स्वामी ने इसे कितना कितना पैसा दिया होगा, पढ़िए। जून 23 तारीख को 12 करोड़, 5 करोड़। जून 25 तारीख को 18 करोड़। ओह माय गॉड, बम ब्लास्ट हुआ सितंबर 3 तारीख को, बम ब्लास्ट करके सितंबर 5 तारीख को 50 करोड़ इसने लिए सर। ये लोग तो करोड़ों में खेलते हैं। 50 करोड़ सर फारूक के नाम पर डिपॉजिट हुआ है। चलिए सर पहले स्वामी को तो पूछते हैं। जानते हो कोई साधारण आदमी नहीं है। गरीब आदमी को पकड़ना बहुत ही आसान है लेकिन अमीर आदमी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े राजनेताओं को चुनाव में नॉमिनेशन करने के लिए दिन तारीख बताने वाला यही है स्वामी। CBI ऑफिसर तक इसकी पहुंच के अंदर है। बिना सबूत के इसे पकड़ा तो मेरी हालत किसी लावारिस जानवर की तरह हो जाएगी, इसीलिए मैंने तुम्हें पैदा किया। और जानते हो जब भी किसी पर्सनल काम के लिए बाहर जाएगा तो उसी वक्त हम उस पर हाथ डाल सकते हैं। और सुनो ये कब बाहर जाने वाला है इसकी पूरी डिटेल्स मैं तुम्हें दूंगा। वो देखिए ताला टूटा हुआ है सर। दरवाजा खोलो, अंदर कौन है? दरवाजा खोलो। ये लेकर निकल जाइए। खोलो दरवाजा। खिड़की वहां पर है। ओके, लेकिन उनके हाथ में नहीं पड़ना। अगर खोलो जल्दी सुसाइड कर लो। कौन है अंदर? पर आपको धोखा नहीं दूंगा। पूछ रहा हूं कौन है अंदर, दरवाजा खोलो। खोलो, मेरी बात सुनो। खोलो दरवाजा, खोलो। बाहर जो है ना वो पुलिस वाले हैं। दरवाजा खोलो जल्दी। उन्हें मारना मत, सिर्फ अपनी जान बचाकर निकल जाना। दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ दूंगा। दरवाजा खोलो जल्दी। ओके जल्दी। कौन है अंदर? पूछ रहा हूं कौन है अंदर, दरवाजा खोलो। सर वो देखिए वो भाग रहे हैं सर। Thank you.
रुक जाओ, रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। वो भाग गया सर। सर फारूक के केस को मैं ही डील कर रहा हूँ सर। सील किए ताले को तोड़कर किसी ने एविडेंस को चुराने की कोशिश की सर, आपको देखते ही भाग गया सर। वो पता नहीं कौन था सर। आतंकवादी फारूक के बारे में मुझे बहुत सारी जानकारी मिली है, और यहाँ पर कौन आया था ये मैं पता लगा लूंगा। करोड़ों रुपए कौन देता था ये मैं जान गया हूँ सर। जानकर आप चौंकेंगे सर। स्वामी कदिर वेदी। यस, अपने खतरनाक शिवा के मार्फत ये स्वामी कदिर वेदी क्या है ये दुनिया को दिखा दूंगा मैं। भक्तजनों से विनती है कि स्वामी कदिर वेदी जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं वो यहाँ नहीं रुकेगी। स्वामी जी ट्रेन से ही भक्तजनों को आशीर्वाद देंगे। बंटर के आने को क्यों कहा? बगले में कोई समारोह है क्या? आप चलिए, दादाजी बताएंगे। क्या है ये सब? आपकी एंगेजमेंट बंगले में ही साधारण तौर पर करना चाहते हैं। क्या कहा आपने, एंगेजमेंट? आप मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है ना, इसलिए हम आज एंगेजमेंट करना चाहते हैं। मुझे मालूम है मिस्टर नंद कुमार के बिना मंगनी कैसे करें, यही सोच रहे हो ना? सच है? लीजिए अंगूठे, एक दूसरे को, एक दूसरे को पहना दो। सोच रहे हो? इस अंगूठी को पहनाना और शादी तय करने के पहले मैं कौन हूँ ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आपकी पोती को शादी के बाद तो सिर्फ उसे मैं दिलासा देने के लिए कहा था, लेकिन मेरी बात को आप लोग इतनी गंभीरता से लोगे, इतना बंदोबस्त कर बैठोगे, मैं कौन हूँ आप लोग जान लोगे? निश्चित ही मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। एक मृत्यु दंडित कैदी हूँ। पांच पुलिस वालों का खून करने के कारण मृत्यु दंड मिला। दुनिया की निगाहों से छिपाकर किसी को जाने बिना आतंकवादियों को खत्म करने के लिए एसपी नंद कुमार मुझे यहां पर लाए थे, और सच बोलूं तो मेरी मौत कभी भी आ सकती है। इसके बावजूद अगर आप ये एंगेजमेंट करना चाहते हैं तो मैं ये अंगूठी माला को पहना दूंगा। आप लोगों की मर्जी, मेरा फर्ज था आप लोगों को बताना। दादी, दादा। नो, क्या नहीं? क्या हुआ ईश्वर, उतनी देर से अंगूठी को घुट रहे हो? अरे एक और कोई बात नहीं, दामा जी अभी शादी का सपना देख रहे थे। अंगूठी दीजिए, दोनों। तुम पहले दामाद जी को अंगूठी पहनो। ये बात है। लेडीज फर्स्ट। अभी आप पहनाइए।